नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता और आप देख रहे हैं जिम्सी न्यूज़। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मुकाबले को इंडिया ने 3 दिनों के अंदर ही जीतकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक मैच में टीम इंडिया ने विराट जीत दर्ज की और बांग्लादेश को तीसरे ही दिन हराकर सीरीज भी क्लीन स्वीप कर ली है। दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को महज तीसरे ही दिन में पारी और 46 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। विराट की कप्तानी में भारत की ये लगातार 7वीं जीत है। भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप में खेला गया अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और 3 सीरीज तो टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप की है। वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद बांग्लादेश, तीनों ही सीरीज में टीम इंडिया ने सीरीज क्लीन स्वीप किया है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने दूसरे ही दिन इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। तीसरे दिन टीम इंडिया को सिर्फ 4 विकेट की दरकार थी। हाल ही में तानाजी नाम की एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। आइए देखिए इस पिक्चर के इतिहास पर जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। मराठों के शौर्य गाथा की कहानी पर आधारित अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म में अजय देवगन मराठा योद्धा सूबेदार तानाजी मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगे। लंबे समय बाद अजय देवगन और काजोल साथ में नजर आएंगे। वही फिल्म में सैफ अली खान को एक विलेन के रोल में दिखाने के लिए चुना गया है। इंडियन रेलवेज की बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन अब नए सीजन में चलने को तैयार है। ट्रेन श्रद्धालुओं को बुद्ध से जुड़ी हुई जगहों के सफर पर ले जाएगी। ये ट्रेन दिल्ली से गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, वाराणसी सहित नेपाल के लुम्बिनी, कुशीनगर और श्रावस्ती से होकर वापस दिल्ली आएगी। ट्रेन के यात्रियों को बनारस में गंगा घाट की आरती और आगरा के मशहूर ताजमहल को देखने का मौका भी दिया जाएगा। ट्रेन में एसी फर्स्ट की 60 सीटें हैं और एसी सेकंड की 96 सीटें हैं। अगर बात करें ट्रेन के किराए की, तो पूरे पैकेज के लिए एक कपल का एसी वन का किराया होगा करीब 1,24,000 रुपये, जबकि एसी टू का किराया होगा करीब 1 लाख रुपये। अकेले पर्यटकों की बात की जाए तो ये किराया करीब 82,000 और 67,000 रुपये होगा। एक हफ्ते के इस जर्नी में यात्रियों को वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना उपलब्ध होगा। ट्रेन में एक खूबसूरत से डाइनिंग हॉल को बनाया गया है जहां पर 64 लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। इसके अलावा 2 विशेष डाइनिंग कार और एक पेंट्री कार भी इसमें शामिल है, जबकि लोकल ट्रेवल लग्जरी बसों से किया जाता है। ट्रेन में बुद्ध से जुड़ी किताबों की लाइब्रेरी बनाई गई है। इस सीजन की पहली ट्रिप के लिए ट्रेन की आधे से भी ज़्यादा सीटें प्री बुक हो चुकी हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक यह ट्रेन 12 बार चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में और भी कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे प्राइवेट डिजिटल लॉकर, नहाने के लिए स्पेशल केबिन, मसाज की सुविधा, स्टडी रूम जैसा अलग सा क्षेत्र और सोफा। रेलवे के मुताबिक हर कोच में निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद होंगे। इसमें नेपाल यात्रा के लिए एसी डीलक्स कोच से सड़क परिवहन, स्थानों और स्मारकों का दर्शन, रहने की सुविधा, भोजन, टूर मैनेजर, गाइड, एंट्री फी और यात्रा बीमा की सेवाएं शामिल होंगी। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें जिम्सी न्यूज़।